हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान भक्ति में। फ्रेंड्स, हर भला से भाइयों की रक्षा करता है रक्षा सूत्र। बांधने का अगर तरीका सही हो तो रक्षाबंधन का त्यौहार में चार चांद लग जाते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए बाजार तैयार होता है। इसके साथ ही बहनें अपने भाइयों के लिए राखियाँ लेना शुरू करती हैं। जिनके भाई दूर रहते हैं उनके लिए बहनों ने स्नेह के धागे से बनी राखियाँ भेज दी हैं, ताकि उनके भाइयों की कलाई सुनी ना रहे। भाई बहन के प्रेम को दर्शाने वाला यह त्यौहार 26 अगस्त दिन रविवार को मनाया जाएगा। रक्षा सूत्र होती है राखी। रक्षाबंधन के दिन के लिए बहनें अपने भाई के लिए खास राखी खरीदती हैं, जो उनके स्नेह और प्रेम का प्रतीक होती है। राखी रक्षा सूत्र भी मानी जाती है। मान्यता यह है कि रक्षा सूत्र किसी भी बला से भाइयों की रक्षा करता है। राखी बनने के बाद भाई अपनी बहनों को भी उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। ऐसे मनाया जाता है रक्षाबंधन का पावन त्यौहार। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से पहले बहनें अपने भाइयों का तिलक करती हैं। इसके बाद भाइयों को एक हाथ में नारियल दिया जाता है और बहनें अपने भाइयों की कलाई पर तिलक लगाकर राखी बांधती हैं और उनकी दिए से नज़र उतारती हैं। इसके बाद अपने भाइयों की आरती उतारते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। अंत में बहनें भाई को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करती हैं। यदि इस मंत्र के साथ बहनें अपने भाई को राखी बांधें तो बेहद ही ज़्यादा अच्छा होता है। एन वधो वली राजा दानवेंद्रो महावला तैन त्वाम अभिवंधामि रक्षे मा चल मा चल। भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते समय बहन को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके और भाई के ललाट पर रोली चंदन अक्षत का तिलक करके इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हमने आपको बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार आप किस तरह से मनाएं और किस मंत्र का उच्चारण करके आप रक्षाबंधन के सूत्र को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और भाई की लंबी आयु की कामना कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियाँ लेकर फिर से प्रस्तुत होंगे। अब मैं आपसे विदा चाहती हूँ। रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ।